हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका टेक्नो लेवल अप गेम। तो गाइज़, हम यहाँ पे आ चुके हैं और मिशन लॉन्च पैड। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, मैं हूँ आपका टेक्नो लेवल अप गेम। तो उधर आवाज़ क्लैश हो रहा था, इस वजह से हम थोड़ा शांत हो गए थे। तो यहाँ पे इसको हमने शूट कर दिया है और यहाँ से इसको और अलार्म ना बजा सके, इसलिए सबको मैं हमने किल कर दिया है। और चैनल पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होती है गेम प्ले में, लेकिन आप थोड़ा को मैं शॉर्टकट बताऊँगा कि कैसे आपको बिना हेल्थ कवाए आपको कैसे क्लियर करना है। क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था, एक दो बार, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई गलती की वजह से हमारा टाइम लॉस हो जा रहा था। कभी कभी हम मिशन के जो है कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ दे रहे थे, जैसे कि जब लॉन्च पैड के जो तीन हिस्सों वाली वो चीज़ें हैं उसको हमने क्लियर नहीं किया था। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनको स्नाइप कर दे रहा हूँ। ये गन काफ़ी अच्छी है, इससे हम एक बार में उनको मार दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने नेट कर दिया है और सारे के सारे मारे जाएंगे। अगर नहीं मारे जाएंगे तो एक दो को हम किल और कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबको किल कर दिया है। और यहाँ पे जो है हमने गन चेंज कर दिया, इसमें हमारे पास एमओ नहीं थी तो काफ़ी हमें बुरा लगा था। और यहाँ से हमने लोड कर लिया है और कंप्यूटर को ऑन करते ही हम गेट खोल लेंगे। पर हम भूल गए थे कि हमें स्नाइपिंग भी करना है, क्योंकि टावर पर कुछ लोग हैं जिनको हमें किल करना है। तो उनके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद हम उनको मारेंगे। यहाँ पे हमने सेंसिटिविटी थोड़ा सा ख़राब दिखी है। और यहाँ पे हमने आईफिल टावर की तरह जहाँ से मिशन लॉन्च पैड होता है वहाँ से इनको किल करेंगे। थोड़ा हमारी तबीयत में दिक्कत है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था ठंडे पानी पीने की वजह से। तो अभी फ्रिज का पानी ज़्यादा मत पीजिए, चिल्ड वाटर। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब दूर थे, फिर भी हमने जो है इसकी मदद से उनको किल कर दिया। क्योंकि इसकी जब मेमो पड़ती है तो काफ़ी झटके में पड़ती है और आदमी मर जाता है। और यहाँ टाइमिंग नीचे चल रही है, हमें 17 मिनट तक का अभी भी टाइम है। तो यहाँ पे हम जो है स्नीक मोड में सबको किल करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, खोलेंगे दरवाज़ा। क्योंकि उस टाइम जो है हमें पीछे वालों को भी किल करना था और आवाज़ आने की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से गेट हमने खोल दिया है। गेट खोलते ही हम जो है इसको टाप के निकल जाएंगे यहाँ से। और साइड की जो फ्यूलिंग है उसको हम फ्यूल करेंगे पहले। जैसे वैसे तो इनकी ड्यूटी थी फ्यूलिंग करने की, लेकिन हम फ्यूल कर लेंगे यहाँ से। और इसमें हमें शायद बॉम्ब लगा के इसे डिफ्यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिशन चंद्रयान हुआ था, उसी तरह ये लोग भी अपना कर रहे हैं। इन्हें भी लॉन्च करना था, उसको हमें रोकना है। और चाइना वाले काफ़ी दुष्ट हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 की ये लोग तैयारी कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ से जो है हमने सबको किल कर लिया है ईजली तरीके से। नॉइस को जैसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए गेम प्ले भी हम काफ़ी दिन बाद डाल रहे हैं। क्योंकि तो हमारे यहाँ साइड में एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है काफ़ी दिनों से। अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार, मोदी सरकार। और आपको कोई और सरकार आपको लाना चाहते हैं और आपको बुरा लग रहा है इस चीज़ को देख के, तो आपकी तरफ से हमें खेद है। क्योंकि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन मोदी जी को लाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मोदी जी हमारे काफ़ी अच्छे पीएम हैं और अब की बार मोदी सरकार। तो यहाँ से हम जो है सारे ट्रूप्स को किल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमने सभी बंदों को किल कर दिया है। और ग्रेनेड खोज रहे हैं कि हमें एक आध ग्रेनेड मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेनेड काफ़ी आता है। जब ग्रुप ऑफ बंचेस में अगर बंदे होते हैं तो उनको हम किल ईजली कर लेते हैं। जैसे कि मिशन के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि वजू का RPG का हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने फ्यूलिंग जो है उसको बंद कर दिया है। अब जो हमारा टावर पर काम रह जाएगा, और बहुत ज़्यादा ही हमने जल्दी मिशन करने की कोशिश की थी।
और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये हमारी आखिरी गेम प्ले है IJ2 की, इसके बाद हम नहीं खेलने वाले IJ2। वैसे काफ़ी अच्छा गेम रहा IJ2, काफ़ी अच्छा हमारे लिए गेम रहा, हमें अच्छा भी लगा, इससे इमोशन जुड़ा हुआ है। भले ही नए लड़कों को आजकल पसंद नहीं आए, लेकिन जो IJ2 खेला हो, IJ1 खेला हो, उससे वो पूछिएगा कि उनकी इमोशंस इससे कैसे जुड़ी हुई हैं। जैसे सुई होता है उसके बिना धागा ख़राब है, और धागा के बिना तो क्या ही कह सकते हैं, जैसे सुई के बिना धागा ख़राब है वैसे धागा के बिना सुई ख़राब है। उसी तरह से उन 90s या 2005 या 4 के बच्चों से पूछिएगा कि IJ उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है उनके टाइम पे। तो यहाँ लंबी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लिफ्ट से हमने इजली ऊपर आ चुके हैं और इन बंदों को हमने किल कर दिया था। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ चुकी है, तो हम जो है स्नाइपर ले लिए हैं, और ये काफ़ी अच्छा है, स्नाइपर है M3 to A4 A1। तो हेलीपैड के आस कुछ बंदे और आ चुके हैं, तो उनको हमें किल करना है। और ध्यान से गाइस, अगर झटके में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सीधे हम टावर के नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ से हमने स्नीक कर लिया, और इनके निकलते ही हम एक एक बंदे को किल कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि बंदे जो हैं इधर उधर होते रहते हैं, और एक जगह नहीं खड़े होने पे हमें वो मिल नहीं पाते। जैसे एक गोली मिस हुई, दूसरी भी मिस हो गई, तीसरी भी मिस हो रही है, क्योंकि एक जगह ही खड़ा नहीं हो रहा, इधर उधर चलते रह रहा। अगर एक जगह जैसे कि मूवमेंट ना हो, ईज़िली से हमें किल कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारी एमो ख़त्म हो गई, हमने लोड किया है, और अब तो बंदूक बचाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पहले होता तो काफ़ी काम भी आता, लेकिन वो भी स्नाइपर ख़राब नहीं थी। इसे हम नीचे करके मार देंगे, क्योंकि अब ये अकेले बचा हुआ है। ख़त्म हो गया कहानी, तो हमने इसे जल्दी से जल्दी कोशिश की है। अब हम ऊपर चढ़ के लॉन्च पैड जो है उसमें बम लगाएंगे। बम को हम प्लांट कर लिए हैं, अब जो है हम इसे फ्री करेंगे। कई कई बार हमने देखा कि इतने फ्री नहीं किया, और नीचे से ऊपर आने में और ऊपर से नीचे जाने में और भी चीज़ें थी, तो उसमें हमारा मिशन फेल हुआ। टाइमिंग बहुत ज़्यादा, टाइमिंग मिशन वाले में यही दिक्कत होती है। और यहाँ से हमने जो है हर फ्लोर के बाद एक एक फ्लोर पे जो है इसको फ्री करते रहना है रॉकेट को। जैसे यहाँ से अब थर्ड फ्लोर नीचे होगा, यहाँ से जो है 12 मिनट का और गेम बच गया है, पर हम 12 मिनट से पहले ही कर लेंगे। हमें लग रहा है कि 4 या 5 मिनट और हमें लगेंगे, क्योंकि अब अलार्म जो है बज चुका है, और अलार्म तो फर्स्ट वाले में ही बज गया था। तो यहाँ एक टैंक खड़ी रहती है जिसमें गन लगी रहती है, वैसे तो यूज होती नहीं, पर उसमें भी कुछ बंदे होते हैं, तो उन्हें भी हमें किल करना होता है। और वो पूरी तरह से आ चुकी है, और आपने देखा होगा कि वो टैंक जब जाती है तो उसके सामने उसमें से बंदे जब निकलते हैं तो उसी को कुचल देती है। तो आप जब मैं इसको जूम करूँगा तो आप देखिएगा 3-4 बंदों को तो खुद ही किल कर दी है। एक बच जाएगा क्योंकि दूसरा वाला भी उसी से किल हो जाएगा। तो ये टैंक ही अपने टैंक अपने लोगों को मार दे रही है, और मैं देख रहा हूँ बजूका वालों से मेरी मिस हो जा रही है, सीधे उसके हेडशॉट लगा है। और यहाँ से हम जो है सबको किल कर दिए हैं, और जो है अब आप देख सकते हैं उसके ग्लिच में सब फंस चुके हैं। जो भी इसका अपडेट रहा हो, पुराना गेम काफ़ी है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा गेम है ये। और यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं, अब हमें बजूका कलेक्ट करना है, तो हमें फिर से वहीं जाना होगा। सीढ़ी से उतरना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि टाइमिंग उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हेल्थ की अब कोई उतनी इशू है नहीं, तो ये भी स्नाइपर काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें अगर स्कोप दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता। स्कोप के साथ अगर मज़ल लग जाए तो भाई क्या ही बात है। मज़ल से ही होता है कि आदमी को पता नहीं चलता है
कि कितने आदमियों को हमने किल किया है। यहाँ से बजूका हमने कलेक्ट कर लिया है, ग्रेनेड भी हम ले लेंगे, ग्रेनेड हमारे काफ़ी काम आने वाला है। और एक ही बजूका है तो दो चाहिए शायद हमें से, तो हमने जो है दोबारा से जाकर रॉकेट पूरी तरह से फ्री कर दिया हमने। और जो है और तो यहाँ पे जो है बजूका हमने ले लिया है, दो दो बजूके हमारे पास हो चुके हैं आरपीजी बजूका, हम बरोबर बोल रहे हैं इसमें। ये एसएमजी 2 हमने जो है पिछले मिशन में काफ़ी वेस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब कोई नहीं रखा था, काफ़ी कम वेपन था और एक गोली से कोई मरता है नहीं, तो फिर भी हम इसको यूज़ करेंगे। ऊपर हमें सूर्यदेव हमें आ रहे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस बस लास्ट मिशन है और ठंडा पानी पीने की वजह से थोड़ा हमारा तबीयत सही नहीं है, सर्दी जुकाम हो चुका है और फीवर भी हल्का सा लग रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है चैनल को, जिस तरह से हमें ये गेट खोला है उस तरह से इस गेट को बंद भी करना रहता है। हम एक बार भूल गए थे और ये गेट नहीं बंद होगा तब तक मिशन जो है लॉन्च पैड नहीं होगा, यानी कि आपको पूरी तरह से इसके शेड्यूल फॉलो करना होगा, एक एक मिशन को एक एक पार्ट को। यही हम ग्रेनेड फेंक देंगे कि हमारे पास तो गन तो है नहीं और आरपीजी तो चला नहीं पाएंगे हम दोनों पे, क्योंकि आरपीजी हम ऐन वक्त पे रखे हुए हैं क्योंकि हमारे काम आने वाली है। और सारे के सारे मारे जा चुके हैं और हम जो है एक बच गया है साइंटिस्ट, काफ़ी हमें दिक्कत देगा, ठीक हम इसे भी मार देंगे। छुप जा रहा है जाके, पर वो भी जानता है कि छुपने से काम नहीं चलेगा, मारो या मरो वाला काम है। यहाँ पे जो है हमें मारने लगा और हम जो है इसे एक ही 47 से किल कर दिए। और यहाँ पे जो है तो गाइस यहाँ पे हमने आरपीजी ले लिए और यहाँ पे जो है साइंटिस्ट को हम देखने आते हैं और इसी गेट से लोग आएंगे लिफ्ट में दूसरे फ्लोर से। तो ये सब जितने भी हैं 5th लेवल या 6th लेवल वाले हैं, तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। और यहाँ पे दो बंदों को चाहिए होता है, एक इधर से बटन दबाने एक उधर से, लेकिन जो है यहाँ से बंदे आ चुके हैं क्लिक होते ही। और हम जो यहाँ पे बज़ूका चला दिए हैं आरपीजी, सारे के सारे मारे गए। मिशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और यहाँ पर हमें लगता है कि IGI का जो है 2nd ख़त्म हो चुका है पार्ट, तो यहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है। उतने टाइमिंग में जो है हमने सारे ग्रेनेड और आरपीजी भी लोड करके सब वेस्ट कर दिया, क्योंकि हम नेक्स्ट मिशन में तो अब जा नहीं पाएंगे, इस वजह से यहीं पे हमने सब फायर कर दिया है। और यहाँ पे हमने दबाकर मिशन को कंप्लीट कर दिया है और आप तो देखेंगे IGI 2 के, तो यहाँ पे सक्सेसफुली मिशन लॉन्च पैड हो चुका है। और जो है अब स्टोरी दिखाई देगी, तो गाइज चलते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।